पूरी दुनिया क्या कर रही है, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना लोगों को। खुश होने के लिए काम कर रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये आपको बारीकी से मेरी बात समझ आ जाए ना, तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। पूरी दुनिया क्या कर रही है, खच्चरों की तरह, जैसे गधा होता है, गधे को क्या चाहिए होता है, दिन के एंड में चारा चाहिए होता है, तो काम इसलिए नहीं कर रहा, गोल गोल इसलिए नहीं घूम रहा, उसको रस्सी से बांधा हुआ है, डंडे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है वो बोझा ढो करके, इसलिए कि मेरे को दिन के एंड में चारा मिले। ये दुनिया की हालत है, जबकि एक्चुअल में लाइफ क्या है, हम कोई गधे थोड़ी है, हम इंसान है, तो हमारे पास में चॉइस है, तो उस चॉइस को यूज करना चाहिए। तो चॉइस को यूज करने का तरीका क्या है, जो भी काम करो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा, ना, काम ही करो खुश होकर के, मतलब खुश रहो हमेशा और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो, फिर आप जो भी काम करोगे उसमें प्यार होगा, उस काम के ऊपर आपकी खुशी की छाप होगी, उस काम में एक नशा होगा, कुछ मजा होगा, मस्ती होगी, जिस आपके काम में, आपके एक्शंस में, आपकी आंखों में कुछ होगा। किसी का भी किसी भी फील्ड में, जस्ट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, उठा लो ना एग्जांपल, आप देखो कि वो क्यों सक्सेसफुल है, क्यों हुए, क्या उनका कुछ स्पेशल लेकर के आए थे क्या? इनफैक्ट जिसकी जितनी बड़ी डिसेबिलिटी थी उसकी सक्सेस भी उतनी बड़ी थी, अगर आप ध्यान से देखोगे हिस्ट्री को उठा करके। ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इनफैक्ट एक बड़ी मजेदार आपको चीज बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी वो है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप इस चीज को सोचोगे, इस चीज को मानोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो काम हो गया, फिर तो ऐसे खेल हो गया, फिर आप आगे बढ़ोगे, देन यू विल बी फियरलेस। आज डर किस चीज का है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज जो है वो किसी चीज से कम थोड़ी है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जिंदगी भर बस भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, पागलों की तरह, पागलों की तरह, और कुछ होश नहीं है, और होते रहे जो चीजें नहीं है उसके बारे में सोच सोच। और फिर मैंने क्या बोला था उसके बाद में, असली सक्सेस ये नहीं है। तो असली सक्सेस क्या है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ अपनी लाइफ में कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी आप हंसते हंसते मर सकते। ये सोचो ही मत कि मेरे को यहां से शुरू होकर के वहां जाना है, कहां जाना है, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो कुछ ऐसा करो जो दिल कहता है, करने में मजा आए, मतलब जा करके या तो किसी की हेल्प करो, आपको हेल्प करने में मजा आता है, किसी की हेल्प करने का मन नहीं करता तो अपनी हेल्प करो यार, अपने लिए कुछ अच्छा करो। आपको म्यूजिक में शौक है सपोजिंगली, तो आप म्यूजिक प्ले करो ना, जब आपके अंदर से आ जाएगा कि मेरे को म्यूजिक प्ले करना है और अंदर से करना है, बिना किसी डर के करना है, तो ऐसा म्यूजिक निकल के आएगा कि लोग खिंचे हुए आएंगे आपके पास, आपके पड़ोसी आकर के बाहर खड़े हो जाएंगे, वो क्या रहा है, कहीं माइंड में ऐसे कोई नोशन नहीं बनाने हैं कि बिल्कुल ही आप जैसे कहते हैं ना घोचू बन जाओ लाइफ में, कि बस सुबह से रात तक पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, अरे करो यार इतना पढ़ करके, मतलब कुछ बन भी गए तो उससे हुआ क्या, वो सब फ्यूचर में है। करना क्या है, बैलेंस बनाना है, पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में ये नहीं है कि हम लाइफ को एंजॉय ना करें, क्योंकि एक बार जैसी आदत पड़ गई वैसी पड़ जाएगी, ये मत समझो कि मैं वो बंद करके एंजॉय करूंगा, आदत की बात है, अगर मस्त रहने की आदत है तो है, भिखारी बनने का नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो।